वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और प्याज की मसालेदार सब्जी। सबसे पहले आप भिंडी को धो लें और उसे अच्छे तरह से पोंछ लें। मैंने यहाँ पर भिंडी ली है, प्याज टमाटर और हरी मिर्च को लिया है। ये 250 ग्राम भिंडी है। सबसे पहले भिंडी का ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसे आप हटा लें इस तरह से। इसके बाद आप इस तरह से भिंडी को कट कर लें। भिंडी को आप ज्यादा पतला ना काटें वरना वो सूख जाती है। इस तरह से आप सारी भिंडी को काट लें। हरी मिर्च को आप सेंटर में से इस तरह से इसके दो पीसेस कर लें। इस तरह से आप इसे दो दो पीस में काट लें। प्याज को लंबा लंबा काटें। अब हमने भिंडी को काट लिया है, प्याज को हमने लंबा लंबा काटा है और टमाटर की हमने प्यूरी ली है। अब आप एक पैन में ऑयल गरम करें। ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में भिंडी ज्यादा अच्छी बनती है। ऑयल के गरम होने पर आप इसमें कटी हुई भिंडी डाल दें। अच्छी तरह से मिला लें ताकि ऑयल इसके ऊपर लग जाए और इसके लिए आप फ्लैट कढ़ाई को ही यूज करें। साथ में ही आप नमक डाल दें। नमक आप कम डालें क्योंकि भिंडी में नमक कम डाला जाता है। गैस की फ्लेम को सिम करें और सिम गैस पर ही इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देखें। जब तक हमारी भिंडी है वो सिम गैस पर रखी है, दूसरी गैस पर आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और इसे गर्म करें। ऑयल के गर्म होने पर आप इसमें कटे हुए प्याज डालें। इसे हल्का पिंक करना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है और सिम गैस पर इसे भी पकने दें। पिंक हो जाए तो आप इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दें और इसके साथ ही आप थोड़ा सा नमक ऐड करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और एक दो मिनट के लिए इसे भी अच्छी तरह से पका लें। पकाने के बाद आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इसे भी एक दो मिनट के लिए पका लें। दो तीन मिनट के बाद आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च डालें, लेकिन लाल मिर्च थोड़ी कम रखें क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, और साथ में ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले को एक मिनट पकाने के बाद आप गैस को बंद कर दें और तभी हमारी दूसरी तरफ हमारी भिंडी है वो भी हो चुकी है। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें, देखिए भिंडी है वो पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कम डालें क्योंकि हमने प्याजों में भी डाला है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसमें हमने जो प्याज और टमाटर का
तड़का बनाया है वो आप इसमें ऐड करो। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें आधा चम्मच सूखा धनिया ऐड करें। इसमें अमचूर ना डालें, हमने टमाटर को ऐड किया है। अगर आप टमाटर नहीं डालते हैं तब आप इसमें अमचूर पाउडर को ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे ढक दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे सिम गैस पर ही पकने दें। 2 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाएं। इसमें डालें 1/4 चम्मच गरम मसाला, इसे मिलाएं और ये हमारी सब्जी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे बनने में 10 मिनट भी नहीं लगे और ये बहुत सॉफ्ट है। आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप किसी सर्विंग बाउल में निकाल लें। तो ये आपकी भिंडी प्याज की सब्जी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो बहुत कलरफुल भी लग रही है और बहुत सॉफ्ट भी बनी है और खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो बनाइए, खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।